एक था राजा और एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। आप में से ऐसा शायद कोई ही होगा जिसने ये छोटी सी वन लाइन कहानी नहीं सुनी होगी। पर क्या आपको पता है कि एक ऐसा भी स्पोर्ट है जो राजा रानी और उनकी सेना से इंस्पायर होके बनाया गया था। जस्ट लाइक एनी एंशिएंट वॉर स्टोरी, इस खेल में दो किंग्स के बीच में वॉर होती है और हर वॉर की तरह इस वॉर को जीतने का भी एक ही वे आउट है, टू कैप्चर और किल द ओपोनेंट किंग। और तो और कमाल की बात तो ये है कि ये वॉर लड़ने के लिए आपको किसी वॉर फ्रंट या जंग के मैदान में जाने की जरूरत नहीं है, मगर सिर्फ एक बोर्ड ही काफी है। Isn't it fascinating? अब तक तो आप गैस कर ही चुके होंगे कि हम किस गेम की बात कर रहे हैं। We are talking about chess, which unlike other sports needs mental strength as opposed to physical strength to play. चेस एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है जिसे एक 8x8 स्क्वायर बोर्ड पर खेला जाता है। इस बोर्ड पर कुल 64 स्क्वायर्स होते हैं, जिनमें से आधे स्क्वायर्स ब्लैक कलर के होते हैं और आधे स्क्वायर्स व्हाइट कलर के। चेस एक बार में दो ही खिलाड़ी खेल सकते हैं, जिनके पास 16-16 पीसेज होते हैं, जो कि अगेन ब्लैक और व्हाइट कलर के होते हैं। इन 16 पीसेज में 8 प्यादे यानी पॉन्स, 2 हाथी यानी रूक, 2 घोड़े जिन्हें नाइट भी कहा जाता है, 2 ऊंट यानी बिशप, 1 रानी यानी क्वीन और 1 राजा होता है। पर क्या आपको पता है, चेस के गेम में राजा नहीं बल्कि रानी सबसे ज्यादा पावरफुल पीस होती है। जी हाँ, दैट्स बिकॉज ऑफ इट्स मूवमेंट्स ऑन द बोर्ड, जिसके बारे में हम बस जान नहीं वाले हैं। पूरे गेम में एक प्लेयर का एम होता है इन सारे पीसेस के सहारे राजा को गार्ड करना और ज्यादा से ज्यादा ओपोनेंट के पीसेस को कैप्चर करना। कैप्चर करने का मतलब होता है अपने पीसेस से ओपोनेंट के पीसेस को बोर्ड से रिमूव करना, और चेस के गेम में अल्टीमेट एम होता है ओपोनेंट प्लेयर के किंग को मार देना या रिमूव करना, जिससे इस गेम में जीत हासिल होती है। अब ये जानने के लिए कि चेस में राजा को हरा कर किस तरह गेम जीती जा सके, इसके लिए हमें सारे पीसेस के पोजिशन और मूवमेंट्स को जानना होगा। बोर्ड पर पीसेस को प्लेस करने के लिए बोर्ड के 8 रोज को अल्फाबेटिकली और 8 कॉलम्स को न्यूमेरिकली डिनोट किया जाता है। इस बोर्ड के स्क्वायर्स A1, B1, C1 और इसी तरह डिवाइड हो जाते हैं। प्यादे हमेशा सेकेंड रो पर प्लेस किए जाते हैं, क्वीन D1 और D8 पर और राजा E1 और E8 पर प्लेस किए जाते हैं। क्वींस की प्लेसमेंट को चेक करने के लिए एक तरीका ये भी है कि व्हाइट क्वीन हमेशा व्हाइट स्क्वायर पर रहती है और ब्लैक क्वीन ब्लैक स्क्वायर पर। हाथी, जिसे चेस लैंग्वेज में रूक कहते हैं, इन्हें बोर्ड के 4 कॉर्नर्स में प्लेस करते हैं। हाथी के बगल में घोड़ा और फिर ऊंट को प्लेस किया जाता है। बोर्ड पर सारे पीसेस को सही तरीके से प्लेस करने के बाद इनका अरेंजमेंट कुछ इस तरह का होता है। प्लेसमेंट के बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है पीसेस की चालों को समझना, क्योंकि चेस में हर पीस की चाल अलग अलग होती है। किंग वर्टिकली, डायगनली और हॉरिजॉन्टली सिर्फ एक स्क्वायर चल सकता है। किंग के पास एक स्पेशल पावर भी होती है जिसे कैसलिंग कहते हैं। अगर किंग और रूक्स के बीच में सारे ब्लॉक्स खाली हों और दोनों पीसेज ने अब तक गेम में अपनी चाल ना चली हो, तो ऐसे में किंग और रूक्स अपनी प्लेसेस चेंज कर सकते हैं और इस मूव को कैसलिंग कहा जाता है। इसके बाद आती है रानी, जो वर्टिकली, डायगनली और हॉरिजॉन्टली खाली पड़े किसी भी स्क्वायर पर चल सकती है, विच मेक्स इट द मोस्ट फ्लेक्सिबल एंड पावरफुल पीस अमंगस्ट ऑल द पीसेस। क्वीन के बगल में होता है ऊंट यानी बिशप, और ये सिर्फ एक्स पैटर्न में ही चल सकता है। टू सिंप्लीफाई दिस, हम ये कह सकते हैं कि ऊंट सिर्फ डायगनली ही चल सकता है। घोड़ा यानी नाइट एक लौता ऐसा पीस है जो किसी भी दूसरे पीस के ऊपर से जा सकता है, जो इसे शतरंज का सबसे इंटरेस्टिंग मोहरा बनाता है। इट कैन जंप टू एनी स्क्वायर इन एल शेप, विच मींस 2 ब्लॉक स्ट्रेट एंड 1 ब्लॉक ईदर लेफ्ट और राइट, और 1 ब्लॉक स्ट्रेट एंड 2 ब्लॉक्स लेफ्ट और राइट। अब बात करते हैं हाथी की, तो वो ऊपर नीचे दाएं बाएं खाली पड़े किसी भी स्क्वायर पर सिर्फ सीधा चल सकता है। इसके बाद बचते हैं प्यादे। प्यादे यानी पॉन्स अपनी पहली चाल में 2 स्क्वायर्स आगे चल सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये सिर्फ 1 स्क्वायर आगे चल सकते हैं, और इनकी चाल बदलती है इनके डायगनली कैप्चर करने के तरीके से। बट प्यादों के पास एक स्पेशल पावर भी होती है, जिसकी बदौलत आप प्यादे को किसी भी पीस से एक्सचेंज कर सकते हैं, सिर्फ राजा के अलावा। इस मूव को प्रमोशन कहते हैं,
और ये तभी पॉसिबल है जब प्यादा बोर्ड के दूसरी तरफ यानी ओपोनेंट प्लेयर के स्क्वायर्स तक पहुंच जाए। चेस में सबसे पहली चाल वो चलता है जिसके पास व्हाइट पीसेस होते हैं, और एक चेस का गेम डिफरेंट लेवल्स पर डिफरेंट टाइम फ्रेम में खेला जाता है। गेम शुरू होता है पॉन के चाल से और एंड होता है चेकमेट से। चेकमेट से पहले आता है चेक, जिसमें ओपोनेंट प्लेयर को वार्न किया जाता है कि उसका किंग डेंजर में है, बट क्योंकि इससे बचा जा सकता है इसे चेक कहते हैं। पर जब किंग के पास कोई भी मूव्स नहीं बचते और वो हर वे से कैप्चर हो रहा होता है, तब उसे चेकमेट कहते हैं। चेस में ड्रॉ और स्टेलमेट भी होते हैं। जब दोनों प्लेयर्स के पास सिर्फ किंग ही बचा हो तो उसे ड्रॉ कहते हैं। स्टेलमेट उसे कहते हैं जब एक प्लेयर की टर्न हो और वो चेकमेट पोजीशन में नहीं हो पर उसके पास कोई लीगल मूव्स ना बचे हों। स्टेलमेट की सिचुएशन में भी मैच को ड्रॉ माना जाता है। अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि चेस को एक इंटेलिजेंट गेम क्यों कहा जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि ये खेल कहां और कैसे बना। चेस का ओरिजिन 6th सेंचुरी में भारत में हुआ था, जब इसे राजा महाराजा कुछ इस प्रकार के बोर्ड्स पर खेलते थे। इन बोर्ड्स को अष्टपद कहा जाता था और तब ये खेल चेस नहीं बल्कि चतुरंग के नाम से जाना जाता था। चतुरंग का मतलब होता है सेना के चार भाग, यानी पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी सवार सेना और रथ सवार सेना। चेस के पीसेज इन्हीं सेनाओं से ही इंस्पायर्ड होकर बनाए गए थे। चतुरंग पूरी दुनिया में एक रॉयल गेम के रूप में उभरने लगा और ईरान में इंट्रोड्यूस होते ही इसका नाम चतुरंग से चतरंग कर दिया गया। लेकिन जब ईरान पर अरब ने कब्जा किया तो चतरंग का हो गया शतरंज, क्योंकि उर्दू भाषा में चा और गा के कोई अल्टरनेटिव वर्ड्स नहीं है। माना जाता है कि 9th या 10th सेंचुरी में इस्लामिक कम्युनिटी ने शतरंज को यूरोप में इंट्रोड्यूस करवाया, और यूरोप में आने के बाद इस खेल को इंग्लिश नाम दिया गया और वो था चेस। चेस का पहला टूर्नामेंट 1851 में लंदन में हुआ था, जिसके बाद चेस काफी पॉपुलर गेम बन गया और 1886 में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप इंट्रोड्यूस की गई, जिसे चेस का वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। 1924 में वर्ल्ड चेस ओलंपियाड पेरिस में शुरू की गई और साथ ही FIDE यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन बनाई गई, which now acts as the governing body for international chess competitions. इसके बाद 1971 में चेस में टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व किया गया, जब गैरी कास्परोव, जो कि रशिया के एक लेजेंडरी चेस प्लेयर थे और तकरीबन 20 साल से वर्ल्ड चेस में अनबीटेबल माने जाते थे, उन्हें IBM सुपर कंप्यूटर ने एक चेस गेम में हराया। उस सुपर कंप्यूटर का नाम था डीप ब्लू। इस रिमार्केबल अचीवमेंट के बाद से चेस इंजन और चेस एनालिसिस का एरा शुरू हुआ, जिसके बाद ऑनलाइन चेस गेमिंग का ट्रेंड काफी बढ़ गया। भारत में चेस को पॉपुलर करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल विश्वनाथन आनंद का रहा है। 2000 में आनंद वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतने वाले पहले इंडियन खिलाड़ी बने। उन्होंने अपने करियर में 5 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है और वो 2007 में वर्ल्ड नंबर 1 भी रहे। चेस में भारत के हाईएस्ट रेटेड प्लेयर्स की बात करें तो आनंद के अलावा कुनेरो हम्पी, निहाल सरीन, पेंटला हरिकृष्णा और वैशाली रमेश बाबू आते हैं। 2020 में पैंडेमिक के चलते ऑनलाइन चेस ओलंपियाड में इंडिया ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता। सो फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल अबाउट चेस। वी होप इस पीसफुल वॉर टाइप गेम के बारे में जानकर आपको काफी अच्छा लगा होगा और चेस के खेल से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो ऐसे ही और भी कई सारे स्पोर्ट्स के बारे में जानने के लिए देखते रहिए ऑल अबाउट स्पोर्ट्स ओनली ऑन माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल। Want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.